हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी अड्डा। सो आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सो सब इस वीडियो के अंदर हम डेफिनेशन देखेंगे और इक्वेशंस देखेंगे और डायग्राम देखेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, कैरियर सिग्नल का और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, और फिर कैसे फॉर्म होता है मॉड्यूलेट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैसे होता है वो हम जानेंगे। सो तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंसिटी ऑफ ऑडियो सिग्नल, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज वेरिड विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज नोन एज FM, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सो जब ये क्या है हमारा कैरियर सिग्नल और ये क्या है हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सो जब एक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल, जब ये कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो वैरिड होगी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से, तो ये हमें क्या मिलेगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इस मॉड्यूलेशन को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज कॉन्स्टेंट, ऑल एम्पलीट्यूड सेंसिटिव नॉइज कैन बी इलिमिनेटेड, देयर फोर FM हैज हाई फिडेलिटी। तो इसमें क्या होता है कि जब ये प्रोसेस होगी तो इसमें क्या होगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी वैलिड होगी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से, और ना ही इसका एम्पलीट्यूड वैलिड होगा ना ही इसका फेज वैलिड होगा। सो इसे ही हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और इसका क्या है कि हाई फिडेलिटी, यहाँ पे बताया गया है कि हाई फिडेलिटी ऑल एम्पलीट्यूड सेंसिटिव नॉइज, इसके अंदर का जो सेंसिटिव नॉइज रहेंगे वो क्या रहेगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है हाई फिडेलिटी। FM broadcasting is assigned a bandwidth from 88 MHz to 108 MHz and each station is allowed a channel width of 20 kHz. Example, 98.4 FM radio station means its carries wave has frequency of 98.4 MHz. So, अब जैसे कि रेडियो सुनते ही हो गया आप 98.4, 98.3, तो उसमें क्या होता है कि रेडियो स्टेशन मतलब 98.4 रेडियो स्टेशन यानी कि उसका जो कैरियर वेव फ्रिक्वेंसी होगा उसके हिसाब से उसे हम कहेंगे कि 98.4 या फिर 98.3 जो भी हो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम उसको नाम देते हैं या फिर नाम रहता है उसका। सो लेट अ मॉडरेटिंग वोल्टेज, सो अब क्या आ रही है, सो लेट अब जो इस वाले का जो इक्वेशन है तो वो क्या आएगा, सो लेट मॉडरेटिंग वोल्टेज इज ई एम इज इक्वल्स टू कैपिटल ई एम कॉस ओमेगा एम टी। सो जो ई एम है वो क्या है एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा एम जो है वो क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडरेटिंग सिग्नल, और जो ई एम है वो क्या है मॉडरेटिंग सिग्नल और मॉडरेटिंग वोल्टेज। अब कैरियर वोल्टेज की बात करते हैं या फिर कैरियर सिग्नल की बात करते हैं, एक ही हुआ, तो फिर कैरियर सिग्नल इज इक्वल्स टू यानी कि ई सी इज इक्वल्स टू ई सी या कैपिटल ई सी, कैपिटल ई सी क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा, ये कॉस इन ब्रैकेट ओमेगा सी टी प्लस थीटा है, ये इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर टू। और जो ओमेगा सी है वो क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वोल्टेज, और जो थीटा है वो क्या है फेस एंगल। सो लेट थीटा इज इक्वल टू सॉरी लेट फाई इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस थीटा विच इज टोटल इंस्टेंटेनियस फेस एंगल ऑफ कैरियर वोल्टेज। यहाँ पर ओमेगा सी टी प्लस थीटा, देयरफॉर ईसी इज इक्वल टू ईसी कॉस फाइव। So the relation between angular frequency omega c that is omega c and phase angle that is phi is omega c is equals to d phi by dt. The frequency of the carrier wave after modulation is, जब इसका frequency modulation हो जाएगा फिर तब हमें क्या मिलेगा equation, omega is equals to omega c plus kf by em. अब जो kf है वो क्या है proportionality factor constant यानी कि, then omega is equals to omega c plus kf em by cos omega m t. यहाँ पर ई एम की वैल्यू पुट की गई है और कुछ नहीं, ई एम की वैल्यू कहाँ से पुट की गई है, यहाँ से ई एम की वैल्यू क्या है कैपिटल एम कॉस ओमेगा एम टी, तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है कि ई की जगह पर कैपिटल ई एम कॉस ओमेगा एम टी, वेयर के एफ इज द जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, द प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर के एफ डिटरमाइंस द मैक्सिमम वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी। सो अब क्या होगा हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फाइव इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी। अब ओमेगा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैंने बताया कि ओमेगा की वैल्यू क्या है ओमेगा सी प्लस के एफ ई एम, और हमने यहाँ पर क्या किया ई एम की वैल्यू पुट की, और हमने क्या किया यहाँ पर ई एम की वैल्यू पुट की और डी टी, बस कुछ नहीं। तो हमें इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलता है कि फाइव इज इक्वल्स टू ओमेगा सी टी प्लस के एफ ई एम बाय ओमेगा एम साइन ओमेगा एम टी प्लस थीटा वन,
इसे हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5. सो हियर थीटा 1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे कि हम c1 रिप्रेजेंट करते हैं ना इंटीग्रेशन करते हैं, तो वैसे यहाँ पर क्या क्या है किया गया है कि थीटा 1 इज द कांस्टेंट किया गया है ऑफ इंटीग्रेशन एंड रिप्रेजेंट द कांस्टेंट फेस एंगल, इट डज नॉट प्ले एनी रोल इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, हेंस इट कैन बी निग्लेक्टेड. अब ये थीटा 1 क्या करता है कि कोई भी प्ले रोल नहीं करता है, रोल प्ले नहीं करता है ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं इसका निग्लेक्टेड कर सकते हैं. तो फिर इक्वेशन 5 केस होगा, सिर्फ यहाँ पर थीटा 1 हटा दिया गया तो सब एज इट इज है. सो दिस सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कैरियर. सो इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ई सी इज इक्वल्स टू कैपिटल ई सी कॉस फाइव. तो अब ये फाइव की जगह पर ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल गया, ई इज इक्वल्स टू कैपिटल ई साइन इन ब्रैकेट ओमेगा सी टी प्लस के एफ कैपिटल ई एम ओमेगा एम साइन ओमेगा एम टी. द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव कैन बी गिवन एज ई इज इक्वल्स टू ई सी साइन इन ब्रैकेट ओमेगा सी टी प्लस डेल्टा साइन ओमेगा एम टी. तो यहाँ पर डेल्टा कैसे आ गया, तो ये जो KF EM by ओमेगा M जो है, तो इसके जगह पर हमने क्या ले लिया, डेल्टा. अब जो डेल्टा क्या है कि द फैक्टर KF by EM by ओमेगा M इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा. तो इस फ्रीक्वेंसी डेविएशन को हमने डेल्टा कंसिडर किया, डेल्टा ही डिनोटेड करते हैं तो डेल्टा ही लिख दिया. तो ये हमें क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कैरियर का इक्वेशन. सो इस तरह से हम यहाँ पर अपना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कंप्लीट करते हैं. सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच.